ये आदमी और एक आंख वाला पेड़ एक रेगिस्तान में चल रहे होते हैं। वह दोनों बात कर रहे होते हैं तब एक आवाज आती है, एक बच्चा जमीन में गड़ा हुआ होता है। वह दोनों लोग उस बच्चे के पास जाते हैं और वो बच्चा उनको बोलता है मुझे बचा लो और रोने लगता है। फिर वह आदमी उसकी चोटी पकड़कर उसको बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो बच्चा बहुत शैतान होता है। वह उस आंख वाले पेड़ को पकड़ता है और आदमी के मुंह पर एक हाथ मारता है, फिर उसको लात मार के दूर हट जाता है। वह आदमी अपने हाथों से एक लेजर निकालता है और उसको जोर का झटका जोर से देता है, जिससे बच्चा दूरी चट्टान से टकरा जाता है। अब वो बच्चा गुस्से में उसकी तरफ जाता है और उसको मारने लगता है, लेकिन उसी समय जमीन से एक अजीब जानवर निकल आता है, जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं। वह जानवर उस एक आंख वाले पेड़ की वजह से वहां आता है। वह लोग भागते हैं, लेकिन वो पेड़ उस बच्चे के पास होता है, इसलिए वह उसके पीछे पड़ता है। फिर वह बच्चा उस पेड़ को उस आदमी के ऊपर डाल देता है, जिससे वो जानवर उस आदमी के पीछे पड़ जाता है और वो भी भागने लगता है। वो बच्चा थक के लेटा हुआ होता है, तभी उस पेड़ को वह आदमी उस बच्चे के ऊपर फेंक देता है। अब वो जानवर उसके ऊपर हमला करता है और वो बच्चा भाग रहा होता है, उसी समय वो आदमी उसकी तरफ लेजर मारता है, लेकिन वो लेजर उस बच्चे को लग जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो बच्चा एक चट्टान पर चढ़ जाता है और वो जानवर उसके पीछे होता है। वो जानवर उस बच्चे को खाने ही वाला होता है, तभी वो आदमी लोहे के भले से उस जानवर के ऊपर हमला करता है और उसको झटका लगाता है, जिससे वो जानवर मर जाता है। फिर वो लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट।